हेलो प्यारे दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूँ। आज मैं आपको अपने मोहल्ले का एक छोटा सा पार्क है उसकी आपको सैर कराऊंगा। ये देखें, ये इसका पॉन्ड है और दरमियान में फाउंटेन होता था जो कि स्प्रिंग और समर में वो ऑपरेट करते हैं। अभी तो देखें पॉन्ड बिल्कुल जमा हुआ है, फ्रीज हुआ हुआ है। टॉप लेयर जो है वाटर की वो बिल्कुल फ्रीज हो चुकी है, इसलिए वो फाउंटेन तो नहीं चल रहा। यहाँ पे गर्मियों में डिफरेंट बर्ड्स जो हैं वो आते हैं, बड़ी रौनक होती है गर्मियों में यहाँ पे। हम लोग यहाँ पे आते हैं इसमें एक्सरसाइज करने के लिए। वॉकिंग ट्रैक बना हुआ है ऑल अराउंड द पॉन्ड, तो वो हम जो है ना उसके ऊपर वॉक करते हैं। लोग अपने डॉग्स को लेके आते हैं, वो भी वॉक करते हैं और खेलते हैं। यहाँ पे बर्ड्स होते हैं बहुत सारे। तो देखिए ये पॉन्ड बिल्कुल फ्रीज हुआ हुआ है। अभी देखें क्योंकि सर्दियां हैं तो दरख्त सारे गंजे हुए पड़े हैं, और बहार में और समर में क्या रंगीन नज़ारा पेश करते हैं ये दरख्त। ये देखें यहाँ से ये इसमें शामिल हो रहा है पानी। ये देखिए इसके नज़दीक नज़दीक थोड़ा सा पानी आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे आप दूर देखते हैं, दूर जाते हैं, तो पानी बिल्कुल फ्रीज हो चुका है। चले आया आपको इसके इर्द गिर्द थोड़ा सा घुमाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने ये पिकनिक के लिए बेंच भी लगाया हुआ है और शेड भी है। शेड देखें, नीचे देखें सारी बर्फ ही बर्फ है। अभी टेम्परेचर क्योंकि प्लस में है तो अभी ये जो है स्नो वो स्लश बनी हुई है। इट्स नॉट हार्ड लाइक आइस And neither soft like snow. गर्मियों में यहाँ पे बच्चे जो हैं वो बाइकिंग करते हैं, स्केटबोर्डिंग करते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज जो हैं वो बच्चे करते हैं। राइट नाउ जो टेम्परेचर है वो है G+2, विच इज वेरी अनयूजुअल इस टाइम पीरियड में, जनवरी में। So probably देख लें ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज। ये देखिए कितने ऊंचे ऊंचे दरख्त हैं। ये थोड़ा सा स्लोप है, यहाँ थोड़ा सा स्लिपरी है मामला। थोड़े थोड़े वक्फे के साथ बेंचेस रखे होते हैं उन्होंने, ताकि जो लोग रेस्ट भी कर सकें। ये जो आवाज आ रही है मेरी, आपको स्नो के ऊपर चलने की आवाज है। ये एवरग्रीन ट्रीज भी हैं बीच में, लेकिन ज्यादातर जो हैं वो उनके पत्ते झड़ चुके हैं जो दूसरे रेगुलर ट्रीज हैं। तकरीबन इसका जो पूरा एक चक्कर है वो 10-15 मिनट में आप लगा सकते हैं। इस वक्त सुबह के तकरीबन 9 बज रहे हैं। वो देखें घोंसले कवों के, देखें जी पॉन्ड का एक दूसरी साइड से इसका व्यू। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा पानी आपको नजर आ रहा होगा, बाकी यहाँ पे ये सारा फ्रीज हुआ है पॉन्ड, और इस जगह पे थोड़ा सा पानी है।
जो कि फ्रीज नहीं हुआ। इस वक्त कोई शोर शराबा नहीं है, बिल्कुल सुकून है। जनरली भी यहाँ पे इतना ज्यादा शोर शराबा होता नहीं। ये पानी खड़ा हुआ है रास्ते में, तकरीबन मैंने आधा जो है वो इसका जो राउंड है वो तय कर लिया है। ये मैं वो अपोजिट साइड पे खड़ा था, वो जो सामने आपको घर नजर आ रहे हैं उस जगह पे जहां से मैंने वीडियो स्टार्ट की थी। ये घरों का बैक है, बैकयार्ड्स। ये देखें जी, रूल्स लिखे हुए हैं, पाथवे एटिकेट। स्नो चूंकि ऊंची नीची होती है तो यहां पे चलने में आपको डिफिकल्टी पेश आती है। आज के दिन में इवनिंग के टाइम में जो है वहां पे वेदर एडवाइजरी एनवायरमेंट कनाडा ने जारी किया है हमारे इलाके के लिए, यहाँ पे फ्रीजिंग रेन जो है वो एक्सपेक्टेड है। और फिर उससे वो बहुत ख़तरनाक होती है, उससे सारा फुटपाथ रोड्स जो हैं वो स्लिपरी हो जाते हैं। वैसे तो सिटी सर्विस जो है वो फौरन साल्टिंग करती है रोड्स के ऊपर, उसकी वजह से वो मेल्ट हो जाती है स्नो, लेकिन यानी कि आइस। लेकिन ये है कि जो रेजिडेंशियल एरियाज होते हैं वहाँ पर इतनी क्विकली सर्विस नहीं पहुँचती, तो वो एरिया ज़रा खतरनाक हो जाते हैं चलने के लिए और गाड़ियां स्लिप होती हैं। यहाँ पे देखें जो है पाथ के ऊपर से स्नो मेल्ट हो चुकी है। ये पिछले जो हफ्ता डेढ़ गुजरा है उसमें टेम्परेचर प्लस में रहा है, उसकी वजह से स्नो काफी मेल्ट हुई है। उससे पहले जो स्नो स्टॉर्म आए थे दो, उसकी वजह से बहुत ज्यादा स्नो इकट्ठी हो गई थी, अब बैठ गई है सारी। ये देखेंगे देखिए दूर आपको ग्रीन जो वो शेड नजर आ रहा है, वहां से मैंने वीडियो स्टार्ट की थी।
हल्की हल्की सी जो प्रेसिपिटेशन हो रही है फेस के ऊपर, ठंडी ठंडी जो है वो फील हो रही है, जैसे पानी के जो है ना हल्के हल्के से बुखारात वो टकरा रहे हैं फेस के ऊपर। प्रॉबेबली आस्ता आस्ता ये बढ़ती जाएगी, फिर फ्रीजिंग रेन बन जाएगी। के लिए छोटा सा एक प्ले स्ट्रक्चर भी लगाया हुआ है इन्होंने नन्हे बच्चों के लिए। इसके इर्द गिर्द हर तरफ घर ही घर है। ये देखो ये ऊंची जगह है, यहां से स्नो सारी मेल्ट हो चुकी है। अगर आपने बहुत ज़्यादा स्नो देखनी हो तो मैंने दो वीडियोस अपलोड की हुई हैं, वॉकिंग इन द स्नो और एक है विंटर वंडरलैंड के नाम से, आप वो देखें आप एंजॉय करेंगे। इतनी ज़्यादा स्नो जब ये दो स्नो स्टॉर्म आए थे ना उनकी मैंने वो वीडियोस बनाई थी। ये देखिए लगाया हुआ है ट्री को और वो विंडोज है। ये बर्ड फीडर, इसमें परिंदे जो हैं इसमें वो खुराक डाल देते हैं और परिंदे इसमें घुस के और दाना दुनका चुग लेते हैं। बच्चे समर में यहाँ पे इस ढलवान के ऊपर, ये जो पहाड़ी सी नजर आ रही है इसके ऊपर से कलाबाजियां लगाते हैं, लुढ़कते हुए जो है ना वो स्पिन होते हुए नीचे आते हैं, खेलते हैं, मजे करते हैं। लेकिन ये देखें यहाँ पे लिखा है प्लीज रिफ्रेन फ्रॉम फीडिंग द बर्ड्स, लेकिन लोग फिर भी जो है ना वो फीड करते रहते हैं बर्ड्स को। अगर आप उनकी आदत खराब कर देंगे तो वो फिर आप ही की तरफ देखेंगे, वो खुद फीड करना जो है छोड़ देते हैं और फिर वो मर मुर जाते हैं, क्योंकि आसानी से जब उन्हें चीज़ मिल जाए तो वो फिर मेहनत मशक्कत करके अपना दाना दुनका नहीं ढूंढते और आप कब तक उनको फीड करते रहेंगे। देखें इस वेदर में तो नहीं आप फीड करते, क्या कर सकते, इसलिए वो इसलिए डिस्करेज करते हैं कि उनको फीड मत दें ताकि वो नेचुरली अपना दाना दुनका जो है ना वो उनकी चुगने की जो वो आदत है वो खराब ना हो। ये जो थोड़ा सा
हाइट वाली जगह है, वहां से सारी स्नो मेल्ट होके नीचे इकट्ठी हो जाती है। ये देखें जी, डिफरेंट जो है वो कॉशंस यहाँ पे लगाए होते हैं लोगों ने सिटी की तरफ से। ओके तो दोस्तों, मैं अपनी जहाँ से मैंने वीडियो स्टार्ट की वहाँ पे मैं तकरीबन पहुँच चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो भी आपको पसंद आएगी। अब प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और अपनी दुआओं में याद रखिए। आपसे मुलाकात होगी फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बाय बाय।